नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी यूपी चुनाव पर कोरोना ग्रहण की, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। खासतौर पर टेंशन वहां पर बढ़ी हुई है जहां पर चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में, और उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, जहां पर नेताओं की तरफ से बड़े रोड शो, बड़ी रैलियों को अंजाम दिया जा रहा है और वहां पर लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन यहां पर दिलचस्प सवाल यह है कि सरकार लोगों को रोक रही है कि आप जश्न मत मनाइए, क्रिसमस का आप जश्न मत मनाइए, सेलिब्रेशन मत कीजिए नए साल का, और 200 तक लोग जश्न में शामिल हो सकते हैं, संख्या सीमित की जा रही है। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अगर सरकार लोगों को रोक रही है तो फिर रैलियों पर पाबंदी कौन लगाएगा, उस भीड़ को कौन रोकेगा, क्योंकि पिछली बार बंगाल समेत तमाम राज्यों में चुनाव हुए थे, वहां पर रैलियां बड़ी बड़ी की गई थी, रोड शो बड़े बड़े किए गए थे, बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे, उसके बाद कोरोना विस्फोट हुआ था। अब कुछ ऐसी स्थिति फिर से बनती हुई नजर आ रही है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद एक बार फिर से चुनावी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सरकार ओमिक्रॉन को रोकने के लिए शादी, बाजारों और सामान्य जगहों पर फिर से पाबंदियां तो लगा रही है, लेकिन चुनावी रैलियों की भीड़ कम करने की किसी को कोई फिक्र नजर नहीं आ रही है। 3 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन चुनावी सभा में भीड़ का समंदर अब भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जमीनी माहौल राजीव रंजन से समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है। सवाल हमारा यही है कि शादी समारोह जश्न पर पाबंदी है तो फिर रैलियों और रोड शो पर पाबंदी कब होगी, कब वर्चुअली चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और राजीव रंजन मेरे सहयोगी आजमगढ़ से जुड़ गए हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय उपाध्याय आपको नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में आपको टीवी स्क्रीन पर सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल डॉक्टर मनोज कुमार भी नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले राजीव, मैं आपके पास आ रही हूं। सरकार ओमिक्रॉन रोकने के लिए शादी, बाजार और जो सामान्य जगह है वहां पर तो रोक लगा रही है, संख्या भी सीमित की जा रही है, लेकिन जो चुनावी राज्य हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, जो बड़ी रैलियां की जा रही हैं, बड़े रोड शो किए जा रहे हैं, उसकी भीड़ कम करने की फिक्र किसी को है, दिखाई दे रहा है ऐसा क्या? देखिए विपनेश, विडंबना यही है कि हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा लोग कहीं इकट्ठा होते हैं और सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हैं तो वो चुनावी रैलियां हैं और सबसे ज्यादा लोग उसमें आते हैं। ये अजीब सी बात है और कि अगर आप शादी में बसों में सवार होकर जाएंगे तो आपका चालान कटेगा और रैलियों में आपको बस में भर के लाया जाएगा तो उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के लोगों की और ये चिंता बहुत वाजिब है कि जब आपने बंगाल का जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर के दौरान जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तब उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव चल रहा था और ग्राम प्रधान का चुनाव जब कराया गया तो मुझे नहीं लगता, जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे, कि शायद ही कोई गांव ऐसा, शायद मैं कह रहा हूं, कोई गांव ऐसा रहा हो जहां कोरोना का संक्रमण न हुआ हो ग्राम प्रधानी के चुनाव के वक्त। बात यह है कि जब ये चुनाव होते हैं तो लोग दूसरे जगहों से जहां रहते हैं, नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, वो सारे लोग अपने गांव में वोट डालने के लिए आते हैं, उनको कैंडिडेट्स बुलाते हैं, उनके संबंध होते हैं, निजी पारिवारिक रिश्ते रहते हैं तो उसमें लोग आते हैं, तो ट्रेवल भी करते हैं और इसके बाद गांव में बाहर के लोग मतदान के समय, वोटिंग के दिन आते हैं, फोर्सेस के लोग आते हैं, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है चुनाव का, तो उसमें जिस तरह की बीमारी ये है, ये बीमारी एक दूसरे से फैलने वाली है, इसमें दूरी बनाने के, तो वो चुनावी रैलियों में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और संकट सबसे बड़ी बात ये है कि अभी IIT कानपुर के एक प्रोफेसर ने कहा है कि जनवरी और फरवरी में वो कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में पीक पर होगा कोरोना, ओमिक्रॉन के मामले जो आ ही रहे हैं, रोज बढ़ ही रहे हैं, अगर ये फरवरी में ही पीक पर, हालांकि बहुत बार जो कोरोना के बारे में बातें कही गई वो बहुत बार सही नहीं भी निकली, बहुत बार जितनी कही गई उससे ज़्यादा गंभीर भी निकली हैं, तो ऐसी स्थिति में जब फरवरी में ही, और चुनाव बिल्कुल अगर अपने समय से इसकी घोषणा होती है तो फरवरी के पहले या जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते
हफ्ते में इसकी घोषणा हो जाएगी और पहला या दूसरा चरण भी फरवरी में ही शुरू होगा अगर अपने कैलेंडर के हिसाब से चलता है। तो ये बहुत बड़ी एक वाजिब चिंता की बात है पूरे देश के लिए और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए जहां 20 करोड़ लोग रहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में चुनाव कैसे हो जबकि इतनी बड़ी बीमारी का खतरा एक बार दूसरी लहर पूरे देश ने देखी है जिसमें मरने वालों की और संक्रमण की कोई गिनती की नहीं जा सकती है। ऐसी स्थिति में क्या राजनीतिक दलों को सबसे बड़ा सवाल उन्हीं के क्या राजनीतिक दलों को इसमें एक कदम आगे नहीं जाना चाहिए, क्या सत्ताधारी दल जो है उनको इस मामले में कोई पहल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रचार के और लोगों तक पहुंच के अब बहुत सारे माध्यम हो गए हैं, वर्चुअली आप पहुंच ही जाते हैं, बहुत सारी रैलियां अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर आप देखें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभी अलीगढ़ में अखिलेश यादव ने उस रैली को वर्चुअली संबोधित ही किया था, वो उनके परिवार में जब संक्रमण हुआ तो अभी वो नहीं निकल रहे। तो इस तरीके की पहल करने के लिए राजनीतिक दल आगे आएंगे या नहीं आएंगे और भीड़ को ऐसे ही जुटा करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा तो सत्ता किसके लिए चाहिए, आप सरकार किसके लिए बनाना चाहते हैं, आप जनता के लिए ही सरकार बनाना चाहते हैं और जनता की जान को ही खतरे में डाल करके राजनीतिक रैलियां करेंगे। हम शादी विवाह करें 200 की आपने लिमिट लगा दी है, उसमें भी बैंड वाले हैं कि नहीं, खानसामे हैं कि नहीं, टेंट वाले हैं कि नहीं, किसी भी शादी में 40-50 लोग मजदूर की संख्या में होते हैं तो आपने 200 की लिमिट लगा दी। आप सोचिए जितने ये घोड़ी बग्घी टेंट वाले ये बेचारे मरे जा रहे हैं, शादियां आप कोई उस तरह से कर नहीं रहा है, तो उस 200 में ही कैटरर्स हैं, इतने बड़े बड़े मैरिज लॉन्स हैं, तो उनका 200 में कहीं कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आपकी बात चुनाव की आती है तब वही टेंट हाउस वाला जाता है और वो बीघे में टेंट लगा रहा है और सारी व्यवस्था हो रही है। तो इस पर राजनीतिक दलों को मंथन करना चाहिए। हम न्यूज़ 24 एक सवाल ही उठा सकता है सरकारों को, चुनाव आयोग के साथ, राजनीतिक दलों को इसका रास्ता जरूर निकालना चाहिए, मगर सवाल यही है कि सबसे पहले कौन आगे बढ़ेगा। बिल्कुल राजीव, आपने कई सवाल जो पूछे हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं। चारू प्रज्ञा जी, आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ। देखिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, तो जिम्मेदारी भी आपकी बड़ी है क्योंकि इस भीड़ को रोकना होगा। रोड शो रैलियों में जो भीड़, वहां पर कोई प्रोटोकॉल का पालन तो होता नहीं है चारू जी, तो बीजेपी को ही पहल करनी चाहिए। जी विपनेश जी, आप की बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, कोरोना हमने जैसा पहली वेव में देखा और उससे भी भयंकर हमने जो सेकेंड वेव में देखा, उससे हम सबको सचेत रहना चाहिए, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और कोरोना से लड़ने का यही हमारे पास तरीका है, जो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है उसका हम पालन कर पाए और अपना ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कर पाए। देखिए, जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, हमारा देश वॉर फुटिंग पर वैक्सीनेशन करता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 19 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन हो चुके हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भी उत्तर प्रदेश में ही हो चुका है। लेकिन जहां तक बात है एक चुनावी प्रक्रिया की, वो किसी सरकार के या पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में होने से ज्यादा इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, चुनाव आयोग के हाथ में है। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने यह टिप्पणी करी थी कि क्या इलेक्शंस को पोस्टपोन नहीं कर देना चाहिए, इसके बाद हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि वो अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और उत्तर प्रदेश जाकर माहौल देखेंगे और वहीं से वो निर्णय लेंगे कि इस चुनाव का क्या करना चाहिए। देखिए, कोरोना हमने देखा 2 साल से ज्यादा हो गए हैं और है लगातार कोरोना हमारी जिंदगी में है। हाँ, घूम के पलट कर आता है, नए रूप में आता है, लेकिन कोरोना के लौट के आने से हमें एक बात और समझ में आ रही है कि हम हर तरीके की जीने की प्रक्रिया रोक नहीं सकते, चाहे बच्चों को स्कूल भेजना हो या लोगों को काम पे जाना हो, बिजनेसेस हो, नौकरियां हो, चाहे सरकारी प्रक्रिया हो, हर चीज को रोक नहीं दिया जा सकता। अगर ज्यादा बढ़ेंगे तो फिर पाबंदियां लगेंगी और लगनी शुरू भी हो गई हैं। आप देखिए कि 415 तक पहुंच गए मामले। मैं वहीं पर आ रही हूँ। देखिए, मैं एक वकील भी हूँ। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, एक सरकार बनने का समय होता है जो हमारे संविधान में लिखा है। 5 साल के बाद एक नई सरकार आ जानी चाहिए हर प्रदेश के अंदर और इसी वजह से हम बार बार चुनाव करते हैं उस प्रदेश में 5 साल पूरे होने से पहले। तो इन चीजों को भी बदलने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से हमें इंतजार करना चाहिए चीफ इलेक्शन कमीशन के उत्तर प्रदेश जाने का, वहां से लौट के आके निर्णय लेने का। जो उनका निर्णय होगा वो सराखों पे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनका भी निर्णय मानेंगी, हमारी पॉलिटिकल पार्टी उनका निर्णय मानेगी और हाईकोर्ट से भी जो आदेश दिए जाएंगे उसका भी पालन होगा।
राजीव, मैं ये कल भी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, अगर अपोजिशन वाले और सत्ता पक्ष वाले दोनों मिलकर, सभी पार्टियां मिलकर बात करें तो ये इतना बड़ा डिसीजन नहीं है, वर्चुअली चुनाव प्रचार हो सकता है आसानी से। देखिए विपनेश, सवाल ये नहीं है कि चुनाव हो कि नहीं हो, मैं भी ये जानता हूं और करीब करीब सारे लोग ये जानते हैं कि चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक समय है, उसके पहले कब विधान, मेरी जानकारी के मुताबिक मई में विधानसभा गठित हुई थी उत्तर प्रदेश की, तो मई तक का वक्त है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि कोरोना या ओमिक्रॉन जिसकी बात हम कर रहे हैं वो फरवरी में उसका पीक होगा कि अप्रैल में होगा कि मार्च में होगा, मई में होगा। चुनाव हो, इससे तो चुनाव कराना जरूरी है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि फिर अगर नहीं होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, वो बहुत एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है, आपको राष्ट्रपति शासन लगाना होगा, 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाना होगा, वो एक दूसरे तरह की चीज़ है। लेकिन चुनाव, हमारा सवाल आज, हम डिबेट इस बात पर नहीं कर रहे कि चुनाव हो कि ना हो, ये बिल्कुल सही बात है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही तय करेंगे, वो दौरा करेंगे, बात करेंगे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप एक बैठक करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या सरकार या और राज्यों के मुख्यमंत्री या सरकार एक बैठक करते हैं 15 मिनट की अधिकारियों और अपने मंत्रियों के साथ, और 12 राज्यों में आप ये फैसला कर देते हैं कि भाई क्रिसमस की से लेके नए साल के जश्न से लेके शादी विवाह तक 200 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हुए, तुरंत ऑर्डर जारी करो, अब कल से जो भी शादी होगी, कल से जो भी क्रिसमस होगा, अब लोगों को मना करो, चालान करो, ये करो वो करो। लेकिन आप इसी तरह की पहल, मैं नहीं कह रहा आप निर्देश जारी करें, सत्ताधारी दल निर्देश जारी करेगा, विपक्ष कहेगा डर गया हमारी भीड़ से, लेकिन एक पहल इसी के साथ अगर नेता इस बात का भी ऐलान करने लगे कि और आज ये आदेश तो हम शादियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज के बाद मैं रैली नहीं करूंगा, मैं वर्चुअली जाऊंगा, मुझे शक्ति पर, मैं अपनी बातों को दिन भर वर्चुअली बताता रहूंगा लेकिन मैं रैली नहीं करूंगा। ठीक है, यही सवाल मैं डॉक्टर अजीज खान से पूछ लेती हूँ। राजीव, रैली में मैं डॉक्टर अजीज खान से, डॉक्टर अजीज खान, क्या समाजवादी पार्टी पहल करेगी? कोई तो बड़प्पन दिखाइए, कोई तो पहल पहले कीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए पहल किया भी हमारे नेता ने, पहल किया भी और अभी राजीव जी ने बताया। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए देश के जो चुनावी एम्बेसडर माननीय मोदी जी हैं, पूरे साल देश में कहीं ना कहीं चुनाव होता है और वो चुनावी एम्बेसडर की तरह प्रचार प्रसार में रहते हैं, देश तो कहीं ना कहीं अपने आप बहुत ठगा महसूस कर रहा है कि साहब उनको प्रधानमंत्री बनाया था देश की समस्याओं के लिए, हल के लिए, लेकिन वो चुनावी मोड में रहते हैं, पूरे साल वो चुनाव का प्रचार करते हैं। देखिए एक बात आप जानिए, सवाल इस बात का इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है ये हम जानना चाहते हैं, उससे बहुत कुछ नसीहत आदमी लेता है, सीखता है। दो दो बार इतनी बड़ी लहर आई, आप देखिए उससे नसीहत नहीं लिया जा रहा है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि अगला वेव आने को है, तमाम तैयारियां करनी चाहिए, लेकिन बीजेपी उस तैयारी अगर सत्ता पक्ष को नहीं समझ में आ रहा है तो आप ही बड़प्पन दिखा दीजिए, एक एग्जांपल सेट कर दीजिए, बोल दीजिए समाजवादी पार्टी की तरफ से न्यूज 24 पर आप बोल दीजिए कि हम वर्चुअली करेंगे चुनाव प्रचार, क्योंकि हमें जान की चिंता है। देखिए मैं विपनेश जी उसी में आ रहा हूं, भाई ये लोगों की जान बचाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये चुनावी तैयारी कर रहे हैं। देखिए लगातार अभी पीएम आ रहे हैं, अगले महीने लगातार 4-5 मीटिंग है, अभी इधर लगातार मीटिंग है, अमित शाह जी की मीटिंग है, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा, सब शासन सत्ता के लोग हैं कि सर हम वर्चुअली मीटिंग करेंगे, हमने इतना जिला अस्पताल में ये तैयारी की, हमने मेडिकल कॉलेज में ये तैयारी की, ये तो इस चीज में लगे हैं कि जो जिला अस्पताल है उसको अपग्रेड कर रहे हैं और उसको मेडिकल कॉलेज का नाम दे रहे हैं, उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेटेस्ट मशीनें होनी चाहिए, तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट होने चाहिए, उसका इंतजाम करने के बजाय, लोगों के जान जो है खतरे में है उसको बचाने के बजाय ये अपने चुनावी प्रचार प्रसार की तैयारी कर रहे हैं। एक बात ठीक है, सरकार नहीं कर रही, आप करेंगे पहल? आज तक देखिए अखिलेश यादव कहेंगे समाजवादी पार्टी पहल करेगी पहले, जी हमारे उसी मुद्दे पर है, 60-62% अभी केवल वैक्सीनेशन हुआ है, उस पर क्या इन्होंने प्रोत्साहित किया लोगों को, क्या वैक्सीनेशन की तैयारी की? अभी चारू जी कह रहे थे आप 19 करोड़, अरे भाई आपने तो प्रचार किया था कि 100 करोड़ लग गया, इतनी होर्डिंगें लगा दी और इतना प्रचार प्रसार नहीं। मेरे सवाल का जवाब डॉक्टर अजीज खान साहब आप नहीं दे रहे हैं, चारू जी आ रही हूँ, एक मिनट डॉक्टर, वैक्सीन की कीमत, एक मिनट डॉक्टर अजय उपाध्याय आप बोलिए, क्या कांग्रेस पार्टी पहल करेगी, कहेगी कि नहीं अब कोरोना बढ़ रहा है हम तो वर्चुअली चुनाव प्रचार करेंगे, हमारे लिए लोगों की जान कीमती है, कांग्रेस पार्टी पहल करेगी? विपिनेश जी, हम लोग शुरू से, पहले भी जब पहली लहर और दूसरी लहर आई थी, बंगाल और बाकी राज्यों का चुनाव था, हमारा
एक डेलीगेशन चुनाव आयोग को भी आग्रह किया था और सरकार से भी लगातार आग्रह करते थे कि चुनाव की प्रक्रिया में जो रैलियों का जो ये जिस तरह से दौड़ चल रहा है उस दौड़ से कहीं ना कहीं लोगों की जान माल की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है और हुआ भी यही। आपने देखा सरकार नहीं मानी और बाकी विपक्षी दल यहां तक कि सभी लोगों को मजबूरी में वो चुनाव प्रचार बंगाल में और उत्तर प्रदेश में करना पड़ा जिसका नतीजा पूरा देश और उत्तर प्रदेश विशेष करके भुगता मां गंगा मैया के गोद में किस तरह की लाशें तैरती रही एक मेजर फैक्टर था। अभी भी मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की जो संसदीय समिति है पिछले महीने नहीं अजय उपाध्याय जी सवाल मैंने कल भी पूछा था आप केरल गए बंगाल भी गए जब चुनाव प्रचार खत्म हो गया तब फिर आपने आवाज उठाई अब आप अभी आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं आपने पहल कौन सी की पहले आपने भी तो नहीं की और अभी वक्त है आपके पास आप कर सकते हैं आप इतने 10 सेकंड दीजिएगा मुझे समय नहीं दिया है। जहां तक बात अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूं और भारत सरकार का संसदीय समिति का एक रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट कहता है कि दोनों लहर में सरकार की गलतियों के कारण और खामियों के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था के बुरा हाल के कारण लोगों की जान ज्यादा गई कोरोना से कम गई। यदि कोरोना के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक रहती कोरोना के समय में तो जान कम जाती। क्या सरकार ने इस 6 महीने साल भर में ऐसी कोई चीज व्यवस्था की? क्या अभी हमारी चारू बहन ने कहा कि हमने वैक्सीनेशन 60% तक का डबल डोज किया है क्या यही वादा था क्या सुप्रीम कोर्ट से? सरकार ने तो वादा हलफ नामा लेकर किया था। अजय जी मैं इस पर चारू जी से जवाब लूंगी लेकिन राजीव जी कोई पार्टी हामी नहीं भर रही है। मैं एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रही हूं फौरन लौट रहे हैं यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद।